बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं दाजल हड़ंद रोड पर मौजूद हूँ। मशरक़ की तरफ दाजल शहर और मगरब की तरफ जाएं तो तारीखी किला हड़ंद वाक़िया है। इस रोड को दाजल हड़ंद रोड भी कहते हैं और इस रोड के जनूब की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है हज़रत अमीर हमज़ा सुल्तान इबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वारिस इमाम ज़माना। आज हम आपको हज़रत अमीर हमज़ा सुल्तान इबन अली, जिन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा भी कहते हैं, विज़िट करवाएंगे। हम इस वक्त हज़रत अमीर हमज़ा सुल्तान की मज़ार की तरफ जाने वाले रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। ये रास्ता बस्ती चटूल की तरफ जा रहा है और 1 किलोमीटर के फासले पर एक लिंक रोड मज़ार की तरफ जाएगी। दाजल हड़ंद रोड से जनूब की तरफ एक रास्ता जाता है जिसके 1 किलोमीटर के बाद एक छोटा लिंक रोड निकलता है जो कि हज़रत अमीर हमज़ा सुल्तान की मज़ार की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, बिल्कुल पहले वाले बोर्ड की तरह है। ये बोर्ड उस लिंक रोड पर लगा है जो हज़रत अमीर हमज़ा सुल्तान की मज़ार की तरफ जा रहा है। ये लिंक रोड जो कि ज़ेर तमीर है और टूट फूट का शिकार है, इस पर पत्थर भी पड़े हैं। अब हम इस रोड पर सफ़र करेंगे और आपको हज़रत अमीर हमज़ा सुल्तान के मज़ार पर ले जाएंगे। हज़रत अमीर हमज़ा सुल्तान के मज़ार का रास्ता काफ़ी कठिन है और टूट फूट का शिकार है। ये रास्ता मुश्किल इसलिए है कि ये ज़ेर तमीर है, रोड पत्थर भी पड़े हैं जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। रोड टूट फूट का शिकार है और मोटरसाइकिल चलाने में बहुत सी दुश्वारी पेश आ रही है। ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। हर साल गर्मियों में यहाँ सैलाब आता है और जिसकी वजह से यहाँ के घर और जो रास्ते हैं टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। फिर से लोग अपने मददाब के तहत नए सिरे से अपने मकान बनाना शुरू कर देते हैं और रास्ते भी बनाते हैं। दूसरा यह है कि यहाँ जो ज़मीन काश्त की जाती है, लोग अपनी मदद आप के तहत ट्यूबवेल और शमस प्लेटों के ज़रिए यहाँ अपना रकबा काश्त करते हैं। अरसा दराज से ये सड़कें खस्ता हाल हैं। साहिब इकदार से गुजारिश है कि इन सड़कों और इलाकों पर नोटिस लें और तवज्जो दें, क्योंकि ज़ायरीन जो दरबार पर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं उनको बहुत से
مسئلے جو راستے نہ ہونے کی وجہ سے درپیش ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سڑک کو بھی بنائیں اور علاقے پر بھی توجہ دیں۔ جی بالآخر ہم مزار شریف پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے لال گڑھ کا علاقہ ہے اور یہ تھانہ لال گڑھ کی حدود میں آتا ہے۔ یہ سامنے مزار کا مین دروازہ ہے۔ اب ہم مزار کے اندر داخل ہونے والے ہیں، آپ کو اندر کا ماحول دکھاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ سلطان کے بارے میں کہ آپ ایران سے یہاں تشریف لائے تھے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور یہاں آ کر ضلع راجن پور کے علاقے لال گڑھ میں آباد ہوئے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کلمات دی۔ ان کے مزار لال گڑھ میں واقع ہے اور یہاں کافی لوگ ان پر فاتح خانی کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر عرس یکم مارچ سے 4 مارچ تک جاری رہتا ہے، اور ایک میلہ بھی یہاں لگایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سرکار دے لئی اور پاک دا تقریب ہے کہ دو چار ناس سان آئے بیٹھے تے تھوڑا تھوڑا ٹائم نے جڑے سوتا تو پھیلا بس ہے جیو سنا جڑے اپ نے سارے چٹول دے صوفی تو پھیلا بس ہے او سنا او او مجمع بڑا سونا بڑیا تے بھا یار ٹائم ٹیبل دے دوئی کری گل امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔